हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एके फिटनेस। आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ बाइसेप्स का वर्कआउट और बाइसेप्स के वर्कआउट के साथ साथ उसके मिस्टेक्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला वर्कआउट है बारबेल बाइसेप्स कर्ल। इसको करते वक्त आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज लोअर बैक स्टेबिलिटी, आपको अपनी लोअर बैक को स्टेबल रखना है। और सेकंड इज योर शोल्डर स्टेबिलिटी, अपने शोल्डर्स को स्टेबल रखना है। और तीसरा एल्बो स्टेबिलिटी, एल्बोस को आगे पीछे स्विंग नहीं करना, मूव नहीं करना, ये आपकी गलत फॉर्म है, इससे आपकी वर्कआउट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। दिस इज द राइट फॉर्म। ध्यान रहे कि जब ऊपर लाएं तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करें, अपने बाइसेप्स को स्क्वीज करें। नेक्स्ट मूवमेंट इज हैमर कर्ल। सेम चीज हमें इसमें हमें ध्यान रखनी है, आपकी लोअर बैक स्टेबिलिटी, आपके शोल्डर स्टेबिलिटी और आपकी एल्बो स्टेबिलिटी। ड्यूरिंग द अपवर्ड फेस आपको अपने बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और स्क्वीज करना है। दिस इज द रॉन्ग फॉर्म। सी, अपने आपको उतना वेट उठाना है जितना आप इन तीनों चीज़ों को ध्यान रख सकें। अगर आपकी स्टेबिलिटी हैम्पर हो रही है, इट मीन्स आपकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। नेक्स्ट वर्कआउट इज डंबल प्रीचर कर्ल। इसको करते वक्त आपको अपनी एल्बो को बेंच के ऊपर प्लेस करना है और आपको अपनी आर्म पिट को एडजस्ट करना है। और ध्यान रहे कि इसमें आपको फुल रेंज ऑफ मोशन करना है। अगर आप हाफ रेंज ऑफ मोशन करोगे उससे इस वर्कआउट की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। सो दिस इज द रॉन्ग फॉर्म, दिस इज द रॉन्ग फॉर्म, हाफ रेंज ऑफ मोशन। सो इस तरीके से इसको परफॉर्म करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन, सो दैट इसकी इफेक्टिवनेस बेटर रहे। एंड लास्ट वर्कआउट इज कंसंट्रेशन डंबल कर्ल। सो नाम से ही पता चलता है कंसंट्रेशन। सो जब हम अपवर्ड फेस में आएंगे तो हमें बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और जब नीचे आएंगे इसको धीरे धीरे कंसंट्रेट करते हुए लाना नीचे। इसमें भी आपको फुल रेंज ऑफ मोशन करोगे तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज हाफ रेंज ऑफ मोशन करोगे तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। व्हेन यू कम अप देन स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।